तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे हेयर केयर मिस्टेक्स के बारे में जो कि आप जाने अनजाने डेली बेसिस पे कर रहे हो, वो आपके हेयर के हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, एक भी पॉइंट को स्किप मत करिएगा। तो गाइस, मेरा नाम है अमन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इट्स मेक यू ऑसम। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, और बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो ऑयलिंग करते ही नहीं है। ऑयल इज लाइक पेट्रोल फॉर आवर हेयर। ऑयलिंग के हजारों फायदे हैं। ये आपके हेयर को ड्राई होने से सेव करेगा। अगर आप अच्छे से अपनी स्कैल्प पे ऑयल मसाज करते हो, देन आपके स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ आपके रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है, तो और भी बहुत फायदे हैं। तो आपको वीक में एटलीस्ट 2 टाइम ऑयलिंग जरूर करनी है। सो सेकेंड हेयर मिस्टेक की बात करें तो वो है नॉट वॉशिंग योर हेयर आफ्टर ऑयलिंग। आपने ऑयलिंग तो कर लिया, बट आपको नेक्स्ट डे जरूर से शैम्पू करनी है। अदरवाइज आपके हेयर में ऑलरेडी ऑयल है, देन हमारा स्कैल्प भी नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से आपके स्कैल्प ऑयली हो जाएगा। इसके अलावा ऑयल रहने की वजह से डस्ट डंट भी हमारे हेयर में आसानी से चिपक जाते हैं, तो नेक्स्ट डे जरूर से वॉश करिए। सो थर्ड हेयर केयर मिस्टेक की बात करें तो वो है नॉट हैविंग अ गुड डाइट। तो आपने आप अपने हेयर की जितनी भी केयर कर लो, जब तक आपके हेयर को अपने बॉडी से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आपको ऑयली और जंक फूड को अवॉइड करना है। आपको अपने डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स और साथ ही साथ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन ऐड करना है। इसके अलावा आप अपने डाइट पे कुछ सप्लीमेंट्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि विटामिन ई हो गया, मल्टी विटामिन हो गए, प्रोटीन हो गया, जो आपके ओवरऑल न्यूट्रिशन में हेल्प करेगी। फोर्थ जो मिस्टेक की हम लोग यहाँ बात करेंगे वो होगी वेट हेयर मिस्टेक। तो जैसे ही आपके बाल गीले हो जाए ना, तो आपको इसकी और भी अच्छे से केयर करनी है, क्योंकि वेट हेयर इज मोर प्रोन टू ब्रेकेज। तो शावर के ठीक बाद आपको अपने हेयर को ड्राई करने के लिए टॉवल का यूज नहीं करना। इंस्टेड ऑफ अ टॉवल आपको यूज करनी है आपका पुराना कोई भी एक टी शर्ट, क्योंकि टी शर्ट का जो फैब्रिक होता है वो सॉफ्ट होता है, जो कि आपके हेयर के साथ फ्रिक्शन भी कम होगा, तो ब्रेकेज होने के चांसेस भी कम रहेंगे। इसके साथ आपको अपने शावर के ठीक बाद आपको हेयर को जोर जोर से कॉम्बी नहीं करना। आपको अपने हेयर को 10 टू 15 मिनट्स तक एयर ड्राई होने देना है, देन आप उसे कॉम्बी कर सकते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट आता है, यू हैव टू चूज द राइट हेयर प्रोडक्ट्स फॉर योर हेयर। सो मेरे भाई, वो कंफ्यूजिंग मत करो यार, अपने बालों के लिए आपको ऑलवेज हाई क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करना है। और एक बात, आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वो आपके हेयर टाइप के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अदरवाइज आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। और आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वो हार्श केमिकल फ्री होने चाहिए, जैसे कि SLS, पैराबेन, आर्टिफिशियल कलर, फ्रेग्रेंस, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये थी कुछ हेयर केयर मिस्टेक जिनका आपको ध्यान देना है। आई होप आप सभी को वीडियो देखने में पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे स्टाइलिश।